सरमीना दे अब्बू, हुकूमत ने शरपसंदां दे खिलाफ फौजी ऑपरेशन दा ऐलान कीती है। इस मुश्किल वक्त च हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला कीती है। खुदा गर्व करे ना दहशतगर्दां नूं, लोकां दा खाना खराब करते निके निके बच्चे लोकां दे मारवा छोड़े ने, ते दूसरा साडे इस मुल्क दा नाम पूरी दुनिया च बदनाम कर दित्ता ने। सरमीना दे अब्बू, हुकूमत अमन कायम करने च कामयाब तो हो जैसी ना? इंशाल्लाह जरूर हुकूमत कामयाब हो सी। मैं तो कहनी हाँ जो तक इतों के हालात ठीक नहीं हो जाते असी अपना बाद चले जाने। ताज बीबी के चलिया कोई मारनी, ये सोनी धरती मेरे माँ प्यो की धरती है, ये मिट्टी मेरा वजूद है तो मैं इस मिट्टी का वजूद हाँ। ठीक है, तेरी इज्जत मानू तो जरमीना भी मरवा सी। इस बंदे को पैसे आंदे नहीं है यार? मुझे ये पैसे बकाए ने सवाल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जी? शुक्र अल्लाह दा ना मेहरबानी। वैसे तुसी मनु इस ग्रां दे बंदे नहीं लगदे हो, क्यों? खैर तो है ना। मेरा नाम वजीर गुल है जी, मैं स्वात से आया हूं। शुक्र है अल्लाह दा, बड़ा बड़ा कारोबार है, बंगला है, सब कुछ है। बस मनु जरा जी आयुब जान साहब मल मिला दो, मनु ने तो बड़ा ना सोना है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अयाज जी, मुझे तू जनानिया नु जनान खाने च ले जा, जा। ठीक है। बैठो जी, बैठो। अयुब जान साहब केड़े वक्त तक आ जा? फिक्र ना करो जी, जल्दी आ जा। मुझे साहब चाशा बंदोबस्त करना उसे। चले, ये भी कोई पूछ के कर दे, चाह का भी बंदोबस्त कर, ते रोटी पानी का भी उन्होंने बंदोबस्त कर, साढ़े मेहमान जा। हाँ जी, ओ हाँ जी, आ गए। हाँ जी, ये वजीर गुल साहब हूँ, ये स्वाद सी आए जी, थोड़े ना मिलना चाहते। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठे जी। जी, हुकूमत ने इंतहा पसंदा दे खिलाफ जड़ा ऑपरेशन शुरू किया, उन्हें दे खात्मे तो कर जी। उस दे वजह नाल सानू उतों से हिजरत करनी पै गई है, इसी खातर तुहाड़े इलाके च आया। हाँ वजीर गुल, मनु पता है हुकूमत ने इलाके च ऑफिस कायम कर दिता है,
आवाम दे जानो माल दे तहफ़ुज़ वास्ते बहुत अच्छा कदम चुके हैं। हाँ जी, जदों तक के ऑपरेशन खत्म नहीं होता खान जी, उस तक किधर ना किधर तो रहना ना। मेरे नाल सियासरा भी मनु ज्यादा दिन आस्ते नहीं, बस थोड़े जे दिन आस्ते कोई रिहायश की जगह मिल जाए। जी क्यों नहीं, क्यों नहीं सर, अखियां से यह थोड़ा अपना ही इलाका है, फिर कौम तो मुल्क की सलामती की खातर तुसा इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, असी तो तुसा शुक्रगुजार हाँ। मुंशी जी, अगर कोई घर खाली है तो ठीक है, नहीं तो इन्हों मेहमान खाने भी ठहरा दो। हाँ जी, मेहमान खाने की क्या जरूरत है, वो साढ़े उजरे के नाल दो घर खाली, उन्होंने जिन्होंने ठहरा देना, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो जी, आखिर ये भी साढ़े भरा लगते हैं। भाई अफजान साहब थोड़ी बड़ी मेहरबानी, इंशाल्लाह स्वाद चमन कायम हो जाए तो वाने इतने के कर अपनी धरती ते ही जाने, थोड़ी बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह खैर देवे। अस्सलाम अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। हाँ सुमेरा पुत्र, क्या हाल है? आई गुड न्यूज जी बाबा जानी, मैं पता है। क्या तेन पता है? बाबा जानी मनु शानी ने फोन करके बतला दिता है। हाँ अच्छा अच्छा, देख मनु दसे भी नहीं से तेन पहले फोन कर छोड़ेस। हाँ पुत्र, अच्छा तू इस तरह करी अपने चाचे ते चाची नू नाल लेके आवी। बाबर दी गल भी करोस ना। हाँ हाँ गल सुन, ओए बाबर नू पहले लेके आवी, क्योंकि तनु पता है वो इन नक चढ़ा जाए ते गल गल ते रुस जांदा है। शाम नू चक्कर लगा सी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ ठीक है पुत्र, ठीक है तेरा इंतजार कर सा। अच्छा खुदा हाफिज। अच्छा और किसी नू दसना है? उसकी तुसी फिक्र ना करो, जिस जिस तुम आखना है मैं आख छोड़ा, तुम इस तरह करो ना कि एक जबरदस्त जी खैरात बंदोबस्त करो। भाई मेरा पुत्र इतने अरसे दे बाद ग्रां आंदा है, लोगों नू पता चले, ग्रां वाले नू पता चले कि अयूब जान दा पुत्र पे आंदा है। तुसी बिल्कुल बेफिक्र रहो, आओ मुंशी काका आओ बैठो। ओ स्वाद दे मेहमान घर दे छोड़े? हाँ हाँ जी, स्वाद ते सारे मेहमानां नूं आपणा आपणा घर दे छोड़न जी। ओ नौकरां ते हत्थ विच ना सारा खाणा शाणा ते पाणी शाणी भी उत्थे भिजवा छोड़ो। ओ बड़े गैरती लोक हन, पता नहीं साडे कोलों रोटी पाणी लवणगे ना। इस विच खफा होणे दी की गल है भई, आखिर ओ असां ते मेहमान हन। ओहो मुंशी काका सब ठीक होसी, पर एक गल मेरी याद रखियो, मेरा पुत्र बड़े अरसे तों बाद पिया आंदा है बाहरों, ते खैरात दा बंदोबस्त ठीक ठाक होना चाहिए, ते दुए नंबर दे ओके आसने उसका इस्तकबाल शानो शान तरीके होना चाहिए। हो खान जी तुसी फिक्र ना करो, वो साडा अपना पुत्र आंदा पिया है ते असी शान शान इस्तकबाल ना कर सी, ते और बारो लोग आगे कर सुन जी। है जी ठीक है मुझे। क्यों वजीर गुल साहब, तुहानू ए जगह पसंद आई है ना? अल्लाह तुहानू खैर देवे। ये उजरा चढ़ा ना जी, ये VIP उजरा है, ये तुसी बैठ सकते हो, गप शप लगा सकते हो। देखो एको सामने कमरा है, एको नाल वाला कमरा है, ते इधर भी एक कमरा है। अच्छा। ये त्रैवों कमरे तुसी इस्तेमाल कर सकते हो जी। मैं जाके ते मुलाजमा नू भेजसा, वो तुहानू फर्स्ट क्लास सफाई करके दे दे सन, बाकी इंशाल्लाह तुहानू इत्थे कोई तकलीफ ना हो सी। बड़ी मेहरबानी जी, खैर होवे ना, अल्लाह जिंदगी देवे ना। वजीर गुल साहब मनु ये दसो के थोड़ा उते कारोबार क्या है? यारा जी बस हल्का फुल्का जहा कारोबार है, मेरा भरा है जड़ी गुर उस दे उते कालीने ते कारपेट दा कारोबार है, ते मेरा कपड़े दा कारोबार है। बस अल्लाह दा बड़ा एहसान है, खुदा दा बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिता है। बस के कर ताले ला के आ गए हैं, हुण जासी हैं ते जासी हैं। बस खैर है, ये एक इम्तिहान होता है अल्लाह ताला दा, इंसान ते आंदा है। हाँ। अल्लाह सब खैर कर सी, इंशाल्लाह तुहानू इत्थे कोई भी तकलीफ ना हो सी। मैं मुलाजमा नू बुला ला सा,
ते ओ इत्थे तुहानूं सारी सफाई करदे सन। खुदा खुश रखे, मैनूं तो निक्के निक्के बच्चे साडे सामणे कोई बस ना लटको है, कोई वैगन ना लटको है, कोई पैरों नंगा पिया दौड़दे उधर धड़ूम उधर धड़ाम। साडे खान दा पुत्र बारो आया जी। अच्छा, ते उस सिलसिले च खान उन्होंने बहुत वड़ी दावत कीती है। अच्छा जी, खैरात कीती ने जी, ते उन्होंने नाल तुहाड़ा भी किया, ते ओ परजाई दा ते ओ बच्ची दा भी किया के चला गया बाबा, बैठ इतने गल सुन। उन्हें क्या बंदे मंदे मैं भेज सा, इतने सफाई मफाई भी कर ले सुन। ते हाँ, वो खान दा को पुत्र बारो आया। अच्छा अच्छा, तो उस दिन कल खैरात है, ते खैरात ते जाना उसी ने सुनी। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर ना लाया कुछ? हाँ जी, उस हाँ जी, उरा तुहाड़े वास्ते खाना भेजा जी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, उन्हां दा बड़ी मेहरबानी। मेरा नाम ज़ेब है ते ए रुस्तम। अच्छा, ज़रमीना। मैं ज़रमीना दी अम्मी आ ते ए ज़रमीना दे अबू ने। अच्छा, तू मेरी सहेली है, नाले मैं तैनू सारे ग्रां दी सैर करासा, नाले पानी पड़ने वाले नाल लेके जासा, ठीक है? हाँ जी, दे पुत्र ग्रां पे आंदा है, तुहाने खैरात खाने वास्ते जरूर आना। हाँ, मनु मुंशी साहब ने किया है, इंशाल्लाह सारे आसी हैं। ते हाँ, उत्ते काम कार भी करना सुने। काम कार? जी, काम कार। पुत्र, असली मेरी तीने का दी किसी दे कार काम नहीं कीता। ऐता साड़ी अपनी जगह, साड़े ते इतने एहसान की तो काम कार जड़ा हाथ पैर दो सी ऐसी कर सी हैं, क्यों ना कर सी हैं? आजे तेरा दिमाग काम कर दे। ओ, तो ताजी ब्राने बैठ दे। मेरे ते काम नहीं कर देते, मेरे ते ये नहीं कर देते। साढ़े ते आई है, उन्होंने सानु जगह दी थी, गाने पे खिला दे, के कुछ पे कर दे। की हो सी ज्यादा पांडे चुकले से पांडे तोले से बैठ। ये उसे जब फूट दियो पे काम नहीं कर दी साड़ी थी। आओ जी, अर्घ्य दो जी। ठीक, खैर मुबारक। खैर मुबारक। आओ जी, आजी साहब आओ जी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो जी? करिए दे जी। वालेकुम सलाम शाह जी, ठीक हो तुसी? लंगो जी, बैठो जी। बच्चियो, जदों ज़ीशान पुत्र आवे ते तुसां फुल्लां दी बारिश कर छोड़नी है, ठीक है ना? हाँ, पहुंचा है। ए टोल वाले हो, और टोल की बजाओ, शाबाश जल्दी करो। हाँ मेरे पुत्र, खैरी मैं है। आगे मुंशी जी, ये सारे मेहमान तेरा इंतजार पे करने लगे। आओ जी। हाँ जी, आ गई मेरी ती पानी भर के।
किथे ने? कड़े कड़े ते टूट गए, शुक्र करो जान बच गई है। कड़े टूट गए ने? अच्छा तू ते चुप करना, पहले मैं इसी खबर लैन दे। तू हर वक्त इसे पीछे क्यों पाई रहनी? अजकल तो इंसान के दिल टूट जाने ते पता नहीं लगता, ए तवा ते कड़े ते मैं त्रै कड़े इसी खातर लिया के अंदर रखे हुए। इधर आ, उश करी नु बात इस तरह न कमी, अंदर जा, जड़ा काड़ा दिल चा भी चुप ते पंड ते चुप ते पंड। मैं किस चलती हूँ, मैं लिया सा। वावा वावा सोनिया ने सीता ने चुकते पान चुकते पान, तेरी ये ना गला ने तीनों सर ते चढ़ा है। देख ताज बीबी, तनु पता है कि तियां माँ प्यो दे कार बेसमान होंदियां, के पता है कल तुए कार चाहे जी नसीब बिच के लिखा होया है। सानू तो पता नहीं करा अपनी औलाद नल इतना तक करिए कि उठे जा के याद तक करे ना। इस तरह सख्ती ना करा कर, ना करा कर इस तरह सख्ती। कितने अरसे बाद शानी पे आंदा ना? अल्लाह का शुक्र है मेरा बच्चा पे वापस आंदा है, मुझे तो बड़ा याद आंदा है अम्मी जी। चलो शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा अल्लाह शुक्र है तू वापस आ गया। क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम बरखुरदार। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? चाचा जी ठीक हो तुसी? आई यू लुकिंग वेरी स्मार्ट। क्या हाल है बच्चे? किस तरह है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। इधर बैठ, इधर बैठ। बिल्कुल ठीक। अल्लाह का लख लख शुक्र है मेरा बच्चा तालीम मुकम्मल करके वापस आ गया। अल्लाह तकल के दरमी जी, खाली तो मैं फिर मुड़ के जाना है। चलो ए देखो, मनु तो इस तरह लगता है कि शानी पुत्र दाजले तालीम से बिल्कुल दिल रजा नहीं। मेरा ख्याल है कि इन्हों का वस चले ना लाले अयूब जान दा ते शानी दा, ये सारी जिंदगी तालीम ही गुजार दे। अस्सलाम वालेकुम लाले। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक होवे तुसां। तुहानू बहुत बहुत मुबारक होवे। खैर मुबारक। मने जेड़ा भी फैसला कीता है शानी पुत्र दी बेहतरी वास्ते कीता है। जी बहुत अच्छा है। बाबा जी इधर बैठो, इधर बैठो। ਬਈ ਇਹ ਵੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਬਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਰਸੀ ਸਾੜੀ ਮਰ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਾਨੀ ਤੇਰੀ ਅਜਰਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਆਦਤਾਂ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਾ ਵੇ ਆਸ਼ੀ। ਪਰ ਮਨੂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆਦਾ। ਸ਼ਾਨੀ देखो ना आपी, आशी कितनी बड़ी हो गई है। ए ओ याशी ना जिसकी बचपन में नग बगती रहती है। हाँ हाँ ये वही याशी है। तू और इसको तंग करना छोड़, ते अपने ड्रामे बाजियां भी बंद कर। नले तू सानू जरा ये बतला कि तने सानू एयरपोर्ट आने से क्यों मना कर देता है? एक है ड्रामे बाजी। देखो ना आपी, तानू तो पता है कि साढ़े मुल्क के हालात कितने खराब हैं। हाँ ये गलत सही है। शानी पुत्र तू थक गयो से, जुल के नातों के कपड़े बदल, तो सुमेरा तू आशियां केल के ना जुल के खाना लो आछो। जी अम्मी जी। अच्छा अच्छा बाबा जानी। चलो आशा, शाबाश बड़ा आराम कर लेता है। जरा हम काम काज करो ना थोड़ा। अच्छा लाले तुसी बैठो, मैं जरा बाहर मेहमान बैठे हैं ते उन्होंने। अच्छा जरमीना दी बच्ची, तनु हुणी लेट ना सी, तनु पता नहीं खान दे कार खैरात है। बहुत तेज बुखारी है जरमीना। चाची जरगुल काका नू कहो, इन्हें डॉक्टर नू दसे। वालेकुम अस्सलाम। क्यों क्या गाल है? इसमें एकदम बहुत तेज बुखार हो गया है। तो क्या देनी है गई है मनु? ओहो मनु खुद नहीं पता, एकदम इस बुखार चढ़ गया है। तुसी जाओ ते डॉक्टर नू लेके आओ, इस नू लेके जाओ बलका डॉक्टर को। नहीं नहीं बीबी जान, मैं डॉक्टर को नहीं जाना। मनु पता है तू डॉक्टर को क्यों नहीं जाती, टीके तो डर के ना? नहीं नहीं बीबी जान, मैं डॉक्टर को नहीं जाना, ये देखो मैं ठीक हूँ। उस्ताद ही ना कर, मैं ठीक हूँ। चल अल्लाह मैं इस तरह करना हो क्या, हकीम करो जाके इस वास्ते दवाई ले आना हो, ठीक है? हाय हाय
अज ते निके खान दे आने दी खुशी बिच खैरात खाने सी बिरे ए कुड़िए तुझ ता ख्याल रख ते मैं तुहाडे दोवां वास्ते रोटी पकानी आ अच्छा ख्याल रख इस बहुत तेज बुखार हुण दस की कह रही सी तू खान दे घर खैरात खाने नूं जाणे जेबो दी बच्ची मैनूं पता है तैनूं कोई बुखार शुखार नहीं ऐ सारा बुखार दा ड्रामा कीता ही हां जी खानी मैं अपने प्यो दवां ते खान दी कार खैरात खाने नूं क्यों जावां जरमीना दी बच्ची तुहाडी बीमारी दी वजह तों हुण मैनूं भी ना जाणा पैसी कम अज कम खैरात ते चावल ते खा लैंदी मैनूं पता है तैनूं खैरात खाने दी भुख नहीं तैनूं ते रुस्तम दे दीदार दी भुख है जेबो दी बच्ची जदों दी खबर सुनी है कि 21वीं सदी विच स्वात बाजोड़ दे नाल दे इलाकां विच मज़हब दे नां तों कतलो गारत ते इंतहा पसंदी ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਰਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਉਛਾਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁੱਕ ਗਈਆਂ ਇਤਨੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁਨਾਸਬ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਸੀ ਤੇ ਫਿਰ IDPs ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਸਾਂ ਸਹੀ ਭਾਈਜਾਨ ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਾਲੇ ਆਸ਼ਾ ਵੀ ਆ ਕਿਚਨ ਹੈ ਜਨ ਅੱਛਾ ਸਲਾ ਚਲ ਆ ਜਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਦੀ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰ ਛੋੜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਆਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋੜ ਬੇਗਮ ਯਾਰ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਵੈਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ ਮਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਸਨ ਬਈ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं गी कम से कम तेरे ब्याह दी गल नहीं की पियोंदी आप ही साडे खानदान विच रिवाज किथे देखो ना तुहाडी ते बाबर भाई दी शादी हुई है ते तुहाडे कोल किसी इजाजत दित्ती है ओ भाई ज़ीशान ओ बढ़िया दा फैसला है भाई जान हुण ओ जमाना नहीं रहा क्यों क्यों है जमाने क्यों साडा फैसला गलत है तुसी दोनों खुश नहीं गए अल्लाह ना करे ताया बाबू जी नहीं खान बाबा असि दोनों बहुत खुश हैं अल्लाह खुश रखे आमीन मुंशी सर बच्ची है माफ कर छोड़ो खैर खान जी थानू लगी थी नहीं अच्छा मैं मदद करना जी हेलो जाओ बीबी जाओ मुंशी जी राती सारे गांव के लोग खैरात खाने वास्ते आए लेकिन ये लोग मैनू नजर नहीं आए के गल है तुसा दस्या नहीं आई है आए नहीं खान जी मैं इस कुड़ी दे पियो कोल आप गया कहने वास्ते और राती आए तुहानू मिलने वास्ते अच्छा ये स्वाद ते दीर दे मुतासरीन हैं खान जी मुंशी जी सारे ग्रहण दे लोग मैनू सलाम कर देन लेकिन ये लड़की कुछ ये गल नहीं खान जी ये लंदन डिंगा ये स्वाड़ा गिरां है स्वाड़ा अपना गिरां देखो खान जी
इतने जरा तुम एहतियात करनी पैसी समझ गए ना मेरी गल तुम इस तरह करो कार जाओ तो मैं जरा सुमेरा आप ही करो क्या नाम ठीक है जिस तरह थोड़ी मर्जी बस चुप करना के पी 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 शहद की मक्खियां को लगा देती है हवा होया केवे गलत करना ओहो इतने ना खशाक भी उठे ही छोड़ी देख मैं तेरे हजार बारी किया है कि इधर उधर देख के टुरा कर बीबी जान गलती उसकी है कि मेरी देख अगर गलती उसकी भी है तब भी तेरे क्या कुलिया रखनी चाहिए यार ये बड़े लोगों की गलती गलती नहीं होती आज दस एहतियात करी असी भी अमीरा मैं कुछ उसके घर का ना खाती मैं तो अपने अब्बा की कमाई खानी हाँ फिर उसकी गलती नु मैं अपनी गलती क्यों मना एक ते तेरे प्यो ने तेनु बड़ा सर ते चाह छोड़ा देख कुड़िया इस जिस छत तली कलोती है ना ये उन्हें दी मेहरबानी दी वजह तो है हैं आइंदा सी जेल बिच रखी एहतियात करी आइंदा इसे बस मैं भी जान बस अच्छी ना मैं पानी ले आन जासा ते ना ही लकड़ियां ले आन जासा अगे मेरे हाथ ते छाले पै गए छाले पवन के जो भी पवे पवे पिया मैं पानी ले रे तुसी जासो का भी तुसी ले आसो ਬਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸੋ ਕੀ ਠਾਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਇਆ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਨਸੋ ਹੀ ਤੋ ਤੇ ਮਰੂ ਗੰਦ ਕੇ ਤਨੀ ਕੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਰ ਗਲੀ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਈ ਹੋਰ ਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਗਰਦਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਉਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਬਸ ਕਰ ਮਰੂ ਮਰੂ ਗੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸੀ ਆ ਸੀ ਦੇਖ ਸੁਮੇਰਾ जब वड़िया ने उस तू इसके मुतल कुछ नहीं बदलाया तो इसी जरूर कोई मसलियत हो सी तू इस तरह करके जिशान नू इस शादी के मुतल कुछ ना बदलावी लेकिन बाबर असी शानी सी गल कदों तू कुछ छुपासी है भाई पता तो चले आखिर व्याह की साजिश हो किसके खिलाफ रही है भरा मेरे कम अज कम यह साजिश तेरे खिलाफ नहीं हो रही है शानी इतने बैठ मेरे को अगर यह साजिश मेरे खिलाफ नहीं हो रही तो जरूर साजिश तो मरकज आशी उसी क्यों आशी ठीक कहना वा ना मैं क्या कह सकनी हाँ अगर तू कवे तो मैं ये शादी रुकवा सकना वा शानी तू अपनी शरारत सी बाज नहीं आना लगता है कि इसी शरारत की बचपन की आदत लत कौन गई नहीं गई आशी चल अपने सोने सोने हाथ नाल शानी बस सोनी जी चाप रख लिया ठीक है बाबे आप ही तुम इस तरह करो जल्दी नाल तैयार हो जाओ मैं तो लेने वास्ते आया हूँ जिशान तेरी गल तो ठीक है लेकिन थोड़ा जहा इंतजार कर ले खान बाबा आ जाओ तो उन्हें इजाजत लैके सुमारा चली जैसी तेरे नाल सीधी तरह क्यों नहीं कहते हो कि आप ही तुम मेरे नाल भेजना नहीं चाहते हो यार मैं तो नहीं कहते हूँ तो फिर तुम इस गल का क्या मतलब है देख तू मेरी गल गलत रंग पे देना है मेरे कहने का मतलब ये कि तू शानी शानी गल तो सुन शानी बाबर यार मैं फिर गल कर सा मैं बैठ के बबू जी नगर गया खरीद पे चलो अंदर चली नहीं तो जान मैं अंदर ही पैना बस मैं और चल सा शानी सबुल्ला खान कौन कुछ समझ पाई शानी की तो कुछ खफा खफा लगता है मुझे भी सुन लगता है चलो अंदर चल के जरा बच्चे चल तुसी भी परेशान बैठे हो उधर शानी भी खफा खफा चला गया ये होया केवे सुमेरा दस ना कि मैं जिशान को गलत गल की थी कि खफा होकर चला गया नहीं आखिर गल क्या हुई ऐसे तू बता अम्मी जी जिशान भाभी नु तीन चार दिन वास्ते नाल ले जाना चाहता है फिर खान बाबा मैं जिशान नु कहया कि तुसी आ जाओ थोड़ी ज्यादा सी बात सुमेरा चली जावे तो खफा होकर चला गया नहीं
इजाजत जरूरी होंगी है। सुमेरा तू जल्दी तैयार हो गया, मैं आप तेन छोड़ के आनी। मैं किसी भी सूरत शानी पुत्र खफा नहीं कर सकती हाँ। अम्मी लेकिन ताया अबू तनु किया ना सुमेरा तैयार हो गया जी। चलो साढ़ा शहजादा तो नाराज हो गया। भाभी हूँ तुम बताओ इस नाराजगी की कड़ी गल आई? ताई जान नाराजगी की गल तो आई, लेकिन तुमने अच्छा किया कि तुम आप ही खुद ही लेके आ गए हो। भाभी जान तुसी माइंड ना करो, मेरा जीशान अच्छे भी बहुत चाइल्डिश है, बचपन की तरह हूँ भी गल गल से नाराज हो चुका है। आपी तुसी खुश तो है वो ना, बाबर भाई नाल तुहाड़ी अंडरस्टैंडिंग तो है वो ना। शुक्र है तेनू भी भैन का ख्याल आया। मेरी तो अल्लाह से इवें दुआ है कि जिस तरह की मेरी जिंदगी है सब औरतों की इसी तरह की हो। नाले ताई आपू तो ताई अम्मी ने मेरा ख्याल भी तो बहुत रखा है ना। थैंक्स गॉड, आप ही मेरे दिल का सारा बोझ हल्का हो गया है। ते नाले बाबर ना कोई भी काम ताया अबू ते ताई अम्मी की इजाजत के बगैर नहीं करते। ते नाले शानी हुण तन्नू भी अपनी शादी के बारे संजीदा हो जाना चाहिए। आप ही मैं कोई पागल थोड़ा वहां। शानी पुत्र जाना नहीं का? मुंशी जी चलने अब, मैं चादर लेके आना। अच्छा अच्छा। मुंशी चाचा शानी का जरा बहुत ख्याल रखना, ये बहुत केयरलैस है, ग्रांच बस इस तरह फिर सी तुसी उसका ख्याल रखना प्लीज। शानी दी शादी दी गल्लां भई होंदी है पुत्र, इस वास्ते मैं कहना वा कि जितनी जल्दी दी शादी हो जाए ना तो बेहतर ही होसी। की गल है? गल तो कोई नहीं लेकिन हो भी सकनी है। चला मुंशी जी। हाँ शानी पुत्र एक दो मिनट तू उजरे को रुक से आला, मैं जरा कपड़े बदल ले सा जल्दी। हाँ आ जाओ। अच्छा मुंशी चाचा मेरी गल तो गौर करना, इसका ख्याल रखना जरा। कुड़ी किस दी इजाजत नाल तू इतों का पी कटनी है? जुबान नहीं तेरी? हां जी बस मुंशी जी जिथे तक तेरी नजर जाती है यह साड़ी जागीर है, साड़ी जागीर दे उत्ते साड़ी मर्जी बगैर पिंडा पर भी नहीं मार सकता। ते तेरी किस तरह जरूरत होइए साड़ी जमीन दे उत्तों का कटने दी? पहली बारी देखे इतने वड़े जागीरदार दे पुत्र दा इन्ना छोटा जा दे ले। बीबी जी सवाने बाजार से कुछ मंगाना तो नहीं गा? क्यों तू किस से बाजार जाना पे? वड़े खान होने किया कि रंग साधु लिया के घर का रंग रोगन करा लो जरा। हाँ ये तो सही किया ने, क्योंकि घर बड़ा गंदा गंदा होया। तू वाकई ये कर ते
देख कौन है? पहल सुन, रुस्तम मौसी, मैं इसनों किया है कि वजीर गुल नू नाल लेके आई, वो होए ते अंदर ले आयो। ठीक है बीबी जी। ए वजीर गुल कौन है देखे ससे बुलवाई? अम्मी जी वो एक तो बुलानी भी है, गल भी नहीं करनी है। हाँ वो फर्नीचर वाले ने कोई जवाब नहीं दिता, इतने दिन हो गए। मैं कहना है दो दिन ही तुम जवाब देना, सारा कुछ मटीरियल मंगा के ते फर्नीचर मुकम्मल कर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ जी, खैर ना लायो, बैठो। मेहरबानी। अम्मी जी ये वजीर गुल ने। अच्छा अच्छा, बैठो जी। मेहरबानी बीबी जी। ये मुतासरीन स्वास हिजरत करके आए, अजकल निके खान दे क्वार्टर पे रहंदे। अच्छा अच्छा। बस जी, हालात ऐसे हो गए कि सानू आना पै गया, हम की कर सकने हैं। बस अल्लाह रहम करे। आमीन। वजीर गुल साहब, ए मेरी बच्ची है, इसी शादी है जी। ते इस दाज से कुछ कपड़े दा इंतजाम करना आया। तुहानू पता है कि सानू कपड़े दी इतनी ज्यादा शनाख्त नहीं गी, तुसी चूंकि इस ते समझदे हो, तुहाडी फील्ड है, ते ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਇਆਰੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਟਾ ਕਿਨਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਲਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਤੀ ਹੈ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਸ ਸਮਝੋ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਾਜ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਮ ਹੋ ਜਾਓ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਇਸਦਾ ਦਾਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਕਲ, ਜ਼ਰਮੀਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਆਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਸੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। बीनो, इधर दो कप चाह ते बढ़ा के लिया। निशान सर, गल ते सुनो ना जी, मेरी निशान सर गल सुनो, ये मेरी गल ते सुनो ना। शानी 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 पुत्र, गल सुनना। देख पुत्र, मेरा एक तनु मशवरा वे, अल्लाह ताला ने तनु इतनी इज्जत दी है, शान और शौकत दी है, तू इलाके का खान है, तू तू एक कपड़ा बेचने ले दी थी पीछे पिया फिरना, इस गल दर गुजर कर दे पुत्र। मुंशी, मैंने तेन गल करने की इजाजत दी है या तेरे को कोई मशवरा मंगा है? ठीक है जी, गलती हो गई। गलती हो गई है,